हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है। इस रिक्रूटमेंट में एक पोस्ट थी आप लोगों की, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरी। इसकी एलिजिबिलिटी सिंपली ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन में आप लोगों ने कुछ भी कर रखा हो, BA, BSc, BCom, MCom, BTech, MTech, कुछ भी कर रखा हो, आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं था। और इसके जो फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट अभी रह गए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो जाइए जाकर के आप लोग इसका फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज ही आप लोग इसका फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म की फ़ीस जो है, फीमेल कैंडिडेट जो होती है हमारी, उनकी जीरो फीस है। एक तो बेनिफिट ये है, तो फीमेल कैंडिडेट तो ज़रूर भरिएगा इसको। उसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और तीसरी बात यह कि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, तो तीन तीन बेनिफिट्स हैं आप लोगों के पास। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों की जो फीमेल की फ़ीस है वो जीरो है, SC ST की फ़ीस जीरो है। सिर्फ जो फीस आप लोगों को पे करनी है, एक तो UR वाले कैंडिडेट एंड OBC वाले कैंडिडेट, इनको 1000 पे करने हैं, बाकी की फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप लोग जाकर के इस फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आज ही इसकी अंतिम तिथि है। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर, एक तो हमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझा देता हूं। एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आप लोगों का, 2 घंटे में आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 hours यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चन। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। और एक बात ये भी याद रखिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन आता है आप लोगों का रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग में आप लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस वाला, इसके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आता है आप लोगों का मैथ वाला सेक्शन, इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है। तो सिलेबस क्या रहेगा, तो ये आप लोग का रीजनिंग का सिलेबस है। एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, सिम्बोलिक नंबर क्लासिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्रॉइंग इंटरफेरेंस, पंच होल एंड पैटर्न होल्डिंग, अनफोल्डिंग। तो ये आप लोगों का प्योरली SSC बेस्ड रीजनिंग का सिलेबस है। प्योरली SSC बेस्ड सारे टॉपिक आप लोगों को ये इसमें SSC में कराए जाते हैं। कुछ टॉपिक इसमें बैंकिंग वाले भी हैं, जैसे इसमें पजल वाला होगा वो बैंकिंग में कराया जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का, ये तो रीजनिंग वाला था सिलेबस। उसके बाद चलते हैं GK के सिलेबस पर। इसमें क्वेश्चन टू बी टेस्टेड कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आल्सो टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर के क्वेश्चन, सच मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल इंक्लूड, तो आप लोग को इंडिया की नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल पॉइंट्स, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक साइंस, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के GK वाले। ये भी कम्प्लीटली पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का SSC बेस्ड है। उसके बाद इंग्लिश का देख लेते हैं। ये इंग्लिश में वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, होनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, प्योरली बिल्कुल SSC वाला, ये आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी पूरा SSC का सिलेबस है, जिसमें आप लोग की अर्थमेटिक इंक्लूड है, और आप लोगों का जो एडवांस मैथ आता है वो इंक्लूड है। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, तो सारी चीज़ें वही है जो सिलेबस पूछा जाता है। तो ये इसका सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है, दोनों मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब देख लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो आप लोग मान करके चलिए मिड अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और आज सितंबर है, 4 सितंबर है, तो कम से कम आप लोग के पास 1.5 महीना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। और जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी उनके बहुत उनकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, 1 महीने में आप लोग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म को जरूर चेक कर आउट कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग हो, या फिर जो भी आप लोगों को लगता है कि ये हमारा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस था, एग्ज़ाम पैटर्न था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाँ, इसका PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो PDF में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी उसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।